हेलो एवरीवन, दिस इज राम केवल एंड यू आर वाचिंग स्किट्सर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपसे सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग बात नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन रहती है और अक्सर आज भी मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर आप लोग इतना अच्छे से याद कैसे, कुछ याद करने के तरीके बताइए, कुछ कैसे याद किया जा सके क्योंकि परसों से एग्जाम है और ये कॉलेज में है परसों से एग्जाम है, तो जिसकी वजह से उन लोगों के मन में ना जब भी ऐसा कुछ आता है, एग्जाम्स आते हैं तो बहुत सारे टेंशन हो जाती हैं, बहुत सारे दिक्कतें उनको चारों तरफ से एकदम घिर जाते हैं। क्या करें, कैसे करें, कैसे याद करेंगे, ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, ये है, वो है, 50 तरह की दिक्कतें। तो आई एम श्योर कि आपकी भी ये दिक्कत होगी। मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने उनको बताया वही चीज़ आपको भी बताऊँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ अपने, हेल्पफुल होगा तो, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करिए या फिर कमेंट करके बता दीजिए सर इस तरह की फालतू वीडियोस बना बनाया करो, टाइम वेस्ट होता है। चलिए देखते हैं, आपका टाइम यूज होगा इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि जो बच्चे मतलब जिनको मैंने बताया वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे और उन्हें ये चीज लगा सही, क्योंकि वह देखिए किस्सा कहानी तो बात करता नहीं, मैं फैक्चुअल बात करता हूँ तो प्रूव करके आपको बताऊँगा कैसे क्या है वो चीज़। जहाँ तक याद करने की बात है तो जैसे हमारा दिमाग है उसको आप समझने के लिए याद ये देखिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। आप ये तो मानना पड़ेगा आपको कि जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग है वो हमारे दिमाग से ही रिलेटेड है। हमारे दिमाग में क्या है, सेम चीज़ें वैसे ही हैं, जैसे मस्तिष्क का दो पार्ट है, जैसे कंप्यूटर का दो पार्ट है मेमोरी का, एक रैम होता है और एक रोम होता है, एक परमानेंट मेमोरी होती है और एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। उसी तरह से हमारे दिमाग में भी है, मस्तिष्क को आप बांटा गया, ये साइंटिफिकली है, ऐसा नहीं है कि कोई किस्सा कहानी है, चेतन और अचेतन मस्तिष्क, ठीक है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे ही हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की, तो कॉन्शियस जो है वो जैसे बर्फ होता है ना, बर्फ पानी में जो बर्फ होता है थोड़ा सा दिखता है ऊपर से लेकिन उसका एक तिहाई भाग डूबा रहता है पानी के नीचे, तो वही चीज है दिमाग जो है जिसमें जो हम चेतन यानी कि कॉन्शियस माइंड की बात करें तो वो थोड़ा सा है, सबकॉन्शियस उससे कई ज्यादा और कहीं विशाल है। जैसे रैम होता है तो रैम आपका अगर 1 GB है तो रोम आपका 8 GB तक हो सकता है, 16 GB तक हो जाता है। इस समय तो सबके पास लगभग 3 या 4 GB रैम की मोबाइल्स आ गए हैं, सबके पास होगा भी, तो आप देखते होंगे कि रैम जो है वो कम रहता है यानी कि टेम्प्रेरी मेमोरी कम रहती है, परमानेंट मेमोरी ज़्यादा रहती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद रखना चाहते हैं, उसको हम बार बाद में जब चाहे तब हम रिकॉल कर सके, वो फाइल जब चाहे तब खोल करके देख सके, उसके लिए हमको वो फाइल क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, उसको हमको परमानेंट मेमोरी में डालना पड़ता है। तो अब ये चीज़ चूँकि दिमाग के ही कॉन्सेप्ट पर कंप्यूटर है तो अगर उसमें हो सकता है तो इसमें भी हो सकता है। अब उसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअल में। देखिए क्या है कि कंप्यूटर जो है आप उसमें कोई भी डाटा स्टोर करें, कुछ भी आप सेव करते हैं चाहे कैसे भी हो, कंप्यूटर लेकिन काम अपने लैंग्वेज में करता है, वो हर चीज़ को आपकी तरह से याद नहीं करता है। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जैसे है वैसे नहीं, ऐसा नहीं कि जो जैसे है वैसे ही रट लिया, वो सबको लॉजिकली समझता है और फिर अपने लैंग्वेज में 0 और 1 के लैंग्वेज में याद करता है यानी कि वो स्टोर करता है। ये बात भी आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 के कोडिंग में होती है। तो यहाँ से एक बात है जो समझने वाली है, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कोडिंग करना, बड़ी से बड़ी चीज को हम छोटे से लिंक करते हैं, कोड करते हैं, तब कंप्यूटर जो है वो अच्छे से याद करता है और बहुत सारा डाटा याद रखता है। कंप्यूटर में कितना भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो तुरंत हमें भूलता नहीं है और चुटकी बजाते ही हमको आंसर दे देता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे मस्तिष्क में हम डाटा को रखते हैं, बहुत सारे डाटा को सेव करना चाहते हैं, हम याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो हम चाहते हैं तो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, एग्जाम में हम लिख नहीं पाते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं टीचर को हम बता नहीं पाते हैं, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आता है कोडिंग का। ठीक, जैसे कंप्यूटर कोड करके याद रखता है वैसे हमको भी करना पड़ेगा। कैसे करें ये चीज़ें, तो जो भी क्वेश्चंस आप याद करना चाहते हैं, जो भी लेक्चर्स याद करना चाहते हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं आपको आंसर्स पूरे याद करने हैं, तो आप उसको क्या करिए, कोई भी टॉपिक हो, बड़ा से बड़ा एसे क्यों ना हो, आप उसको कोड करिए, उसको सेंटेंसेस को ब्रेक करिए,
पर अगर आपको ब्रेक करिए हेडिंग्स में, एक हेडिंग या फिर एक जो मेन चीज है थीम में करिए, समझने की कोशिश करिए और उससे उसको याद रखिए। जैसे चैप्टर का नाम होता है ना, तो उस एक नाम से ही पूरा चैप्टर लिंक रहता है। सारे चैप्टर का निचोड़ वो नाम होता है, टाइटल, जिसको टाइटल कहा जाता है। तो उसे उसको याद रखेंगे तो आपका चैप्टर याद हो सकता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो। हमको करना क्या है, सिर्फ एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना है कि उस पे बेस हो वो पूरा डाटा, पूरा पैराग्राफ, पूरा क्वेश्चन का आंसर, हर चीज। तो अलग एक नहीं मिलता है तो उसको कई स्टेजेस में बांट दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर है, अगर वो एक पैराग्राफ का है, पूरा पैराग्राफ का एक कीवर्ड नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको दो दो तीन तीन सेंटेंसेस में बांट दीजिए। एक सेंटेंस में किस बारे में बात हुआ है, एक सेंटेंस में किस में बात हुआ। तो अगर आप पांच लाइन याद करना चाहते हैं तो पांच लाइन को, अगर एक लाइन को एक वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं आप, तो पांच लाइन की जगह पे आपको पांच वर्ड याद करने पड़ेंगे, है ना। आसान ये याद रहेगा, पांच वर्ड याद करना आसान है, पांच लाइन याद करना मुश्किल है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ्स और बड़े बड़े आंसर्स याद करने के पीछे जो आप रटते हैं ना, जो रहते हैं, तो वो मत करिए। आप उनको शॉर्ट करिए, ट्रिक लगाइए और कोड करिए, किसी न किसी चीज से रिलेट करिए, तब आप कम समय में ज्यादा चीजें याद कर पाएंगे और वो आपके दिमाग में रहेगा भी ज्यादा दिन तक। उसको रिकॉल करना आसान होता है कि नहीं। अगर एक वर्ड आपको सोचना है बाद में तो वो सोचना आसान है, जबकि एक लाइन सोचना मुश्किल है थोड़ा सा। रिवीजन बढ़ जाता है, प्रैक्टिस। जब भी आप सोचना है, रिवाइज करना है, मान लीजिए आपने पूरे पांच लाइन को पांच वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो पांच वर्ड को जब भी रिवीजन करना है, पांच वर्ड जैसे तैसे जब मर्जी करें तब रिवीजन कर सकते हैं, जबकि पांच लाइन है। और ये आपको पांच लाइन और पांच वर्ड का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लग सकता है जी, लेकिन अगर तो सपोज करिए कि पांच पेजेज हैं आपके पास, उस पांच पन्नों में से हर पेज पे दो दो तीन तीन पैराग्राफ होते हैं, तो हर पैराग्राफ से अगर हम दो दो तीन तीन वर्ड, चार चार वर्ड निकालते हैं, तो एक पेज को याद करने में हमको ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ड याद करने पड़ेंगे। उन 10 वर्डों से हम एक पेज याद कर लेंगे, तो पांच पेज याद करने में मुश्किल से हमको 50 वर्ड याद करने हैं, पांच पेज आराम से आ जाएगा। जबकि सोचिए पांच पेज याद करने में हमको कितना टाइम लगेगा। और जैसे ही आप कोडिंग करते हैं ना, तो दिमाग आपका ना समझता जाता है उसको, क्योंकि उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, वो कोडिंग को ही समझने के लिए, वो छोटी छोटी चीज़ों को ही याद करने के लिए है, तो वो उनको ऑटोमेटिक याद करता है। जैसे आप कोड करते जाते हैं, दिमाग उसको अच्छे से समझता जाता है। उसमें जो वर्क करेंगे अपना, इसको इससे कोड करें, तो वहीं पर वो समझ जाएगा। और जब आप उसको अलग छांट करके रखेंगे, तो उसको जब भी एक दो बार पढ़ेंगे जल्दी याद जाएगा। करके देखिएगा, ये मैंने ऐसा नहीं है कि आपको बता रहा हूँ बस कहीं से मैंने उठा लिया है, कॉपी किया है, मैं इसी तरह से मैंने काम किया है। और ये मैं आपको अपना ही प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मैंने फेयर नहीं बनाया ये एक तरह से मजाकिया लग सकता है। मैं मतलब इंग्लिश की ही बात करें, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, तो उसका भी मैं फेयर नहीं बनाता था। कॉपीज की जो भी सब्जेक्ट होते थे, टीचर चेक करते थे, तो दिक्कत हो, जिस दिन कॉपी चेक करता था उस दिन मैं जाते नहीं था। तो ये तभी हो गया, कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे सिर्फ एक साल पढ़ करके पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये तो खैर काफी डिटेल हो जाएगा, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। काम करने का तरीका बदलिए, इरादा मत छोड़िए। आप याद कर सकते हैं, ये मत सोचिए कि मुझे याद नहीं होगा, आप गलत तरीका अपना रहे याद करने का। तो अब से आप क्या करेंगे, जो भी चीजें आपको याद करनी है उसको कोड करिए, कन्वर्ट करिए सेंटेंस को वर्ड में, पैराग्राफ को एक लाइन में, कि एक लाइन दो शब्द याद करके पूरा पैराग्राफ याद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप करना चाहेंगे तो, कोई ना कोई ऐसी चीज। हाँ, लेकिन एक चीज है, किसी और का कोई एक वर्ड आपसे रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि उसने ढूंढा है उसको, तो उसका दिमाग उसको समझा हुआ है। आप ढूंढेंगे तो आपका वो खुद का कोडिंग होना चाहिए, किसी और की कोडिंग से हर बार काम नहीं चलता है। कभी कभी चल सकता है, लेकिन हर बार काम नहीं चलता है। हम जब अपनी कोडिंग करते हैं तो बेहतर होता है हमारे लिए, क्योंकि उसको दिमाग कोडिंग करते वक्त पूरे प्रोसेस को समझता है, तो कहाँ किसको कब किससे कोड कर रहे हैं ये उसको पहले से पता रहता है, समझा रहता है। तो हम याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है, और वो ड्यूरेबल रहता है, मतलब काफ़ी दिनों तक याद रहता है, और उसको जब चाहें हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और
प्रैक्टिस करके कमेंट करके बताएगा जरूर कि कैसा लगा ये तरीका, आपको फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ। पहले आपको दिक्कत होती थी या अब दिक्कत हो रही है, आपकी दिक्कत सॉल्व हुई कि नहीं हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं जो भी एक्टिविटीज होंगी कोशिश करूंगा कि आपसे शेयर कर सकूं, जो वहां पे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं क्लास में, वही प्रॉब्लम मैं आपको इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको दे पाऊं। तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों से भी कराने के लिए दिल से धन्यवाद।